हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, ये दूसरा चैप्टर है हिस्ट्री क्लास सिक्स एनसीईआरटी हिंदी लैंग्वेज में। इसके पहले हमने फर्स्ट लेशन देखा था, उसमें हमने जाना था कि मनुष्य किस प्रकार से रहता था प्राचीन समय में, उसी से जुड़ा हुआ ये दूसरा चैप्टर है। तो इसे भी देखते हैं कि आखिर इसमें क्या बताया गया है। एनसीईआरटी की एक विशेषता है कि बताने के लिए ये कोई एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं और फिर हमें आगे उसकी जानकारी देते हैं। किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं आप, तो ये एनसीईआरटी उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी प्रश्न आते हैं अधिकांशतः इन्हीं बुक्स से आते हैं। तो यहाँ पर एक कहानी शुरू की गई है कि तुषार है, तुषार रेल से यात्रा कर रहा है। तो वो देख रहा है कि पेड़ पौधे और जमीन खेत खलिहान सब पीछे चलते जा रहे हैं और मैं आगे होता जा रहा हूँ। तो उसके मन में एक विचार आता है कि अगर आज से बहुत समय पहले, जब ये ट्रेन नहीं होती होगी या फिर बहुत तेज चलने वाले साधन नहीं होते होंगे, तो मनुष्य कैसे चलता होगा? क्या वो एक ही जगह रहता होगा या फिर इधर उधर कहीं जाता होगा? अगर जाता होगा तो कैसे जाता होगा, उसको कितना ज्यादा समय लगता होगा अपेक्षाकृत कि आज मैं इतनी तेजी से चल रहा हूं। यहां पर आरंभिक जो मानव था वो इधर उधर तो जाता था, लेकिन क्यों जाता था? ये भी एक रीजन हो सकता है कि भाई कुछ कारण तो रहा होगा तब तो जाता होगा, नहीं तो क्यों जाता? जो आरंभिक मानव था, तो पहले लेसन में हमने देखा था, अगर उस लेसन को नहीं देखे तो उसे भी देख लीजिए ताकि इसको आप ज्यादा बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे। तो वहां पर हमने बताया था कि मनुष्य खाद्य संग्रह था, मतलब वो भोजन का संग्रहण करता था, वही उसका मुख्य उद्देश्य था। सिर्फ जीविकोपार्जन वाला प्रक्रम था और आदमी अपना भोजन इकट्ठा करता था और अपना जीवन सर्वाइव करता था। वहां पर वो फल फूल और इसी तरह से अनेक तरह की जो उस समय उपजने वाली जो सब्जियां हैं या कुछ भी है, देखिए सब्जियां भी उस समय वो सब कच्ची ही खा लिया करते थे, ऐसा नहीं है कि पकाते थे। या फिर मछली पकड़ना है या फिर किसी का शिकार करना है किसी जानवर का, तो इन सब कारणों से वो एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थान करते थे। इसी कारण वो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक प्रस्थान किए धीरे धीरे। यहाँ पर एक शब्द आया है उपमहाद्वीप, तो मैं बताना चाहूंगा कि उपमहाद्वीप कौन सा है भारत का। देखिए भारत उपमहाद्वीप है, कैसे? महाद्वीप क्या होता है या फिर द्वीप क्या होता है? द्वीप एक ऐसी स्थलाकृति है जो चारों ओर से पानी से घिरी हुई हो, उसे हम द्वीप कहते हैं। अब द्वीप का बड़ा रूप हो गया तो महाद्वीप हो गया। और ये उपमहाद्वीप क्या है? उपमहाद्वीप का यह है कि अगर कोई भी स्थल तीन ओर से जल से घिरा है और एक ओर स्थल से जुड़ा है तो उसे हम उपमहाद्वीप कहते हैं। तो अपना ये जो भारत है उपमहाद्वीप है, तो इसमें भी लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह की यात्राएं की, जिनका उद्देश्य खाद्य संग्रहण के लिए अधिकांशतः होता रहा है। इसके बाद ये भी जरूरी है कि हम ये जाने कि कौन से पेड़ पौधों की पत्तियां फल हम खा सकते हैं और किसके नहीं खा सकते हैं। तो जिनके खा सकते हैं उन्हीं को हम खाएंगे, या फिर जो हमारे लिए उपयोगी पशु हो सकते हैं उनको ही हम उपयोग में लाएंगे, वो किसी भी रूप में हो, भोजन के रूप में हो या फिर किसी अन्य रूप में। ये सारी चीजें जानना जरूरी था। तो इसी कुछ कारणों की वजह से मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करता था नॉर्मली। अब यहां पर घूमने के कारण देखिए बताए गए हैं, तो घूमने के मोस्टली चार कारण हो सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि एक जनसमूह एक जगह पर रह रहा है, वहां पर जो भी पेड़ पौधे हैं, फल हैं या फिर वहां पर जो जानवर है, उनका यदि वो लगातार दोहन कर रहा है, लगातार वहां की फल सब्जियां खा रहा है, वहां के जो जानवर है उनका शिकार करता जा रहा है, तो एक समय आएगा कि वहां से वो खत्म हो जाएंगे। जब खत्म हो जाएंगे तो हमें दूसरी जगह प्रस्थान करना पड़ेगा। तो इसी तरह से वहां रहने वाले जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि एक जगह की जब उन्होंने फल सब्जियां सारी खत्म कर दी तो वो दूसरी जगह के लिए प्रस्थान किए। इसके बाद दूसरी चीज हो सकती है शिकार।
देखिए, शिकार करने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई जानवर स्थायी तो रहेगा नहीं, जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा शिकार के लिए। तो शिकार पे गया हुआ व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि अगर वो दूसरी जगह ऐसी जगह ढूंढ लेता है जहां उसे अच्छे शिकार मिलते हैं, ज्यादा शिकार मिलते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थान कर जाएगा। अगली बात यह भी है कि सारे जो पेड़ पौधे हैं वो फल एक समय में नहीं देते हैं, अलग अलग समय में अलग अलग पेड़ फल देते हैं। तो उन्हीं फलों को इकट्ठा करने के लिए, फल फूलों को इकट्ठा करने के लिए मौसम के हिसाब से माइग्रेट करना पड़ता है। एक समय में जहां अभी वर्तमान में पेड़ पौधे हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, वहां पर रहेगा व्यक्ति। फिर इसके बाद में कुछ समय बाद वहां से दूसरी जगह वो क्या करेगा, प्रस्थान कर जाएगा। अगली चौथी चीज ये हो सकती है कि पानी। देखिए, किसी भी सभ्यता का जब जन्म होता है, मतलब चाहे अपनी पुरानी से पुरानी सभ्यताएं हो, अपनी हड़प्पा सभ्यता भी है, या फिर अन्य जो भी सभ्यताएं चीन की सभ्यता रही हो, या फिर सुमेरियन मिस्र। देखिए, मिस्र के लिए कहा जाता है कि ये नील नदी का वरदान है। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि नील नदी उस रेगिस्तान में या उस जगह पे ऐसा काम कर रही है कि वहां पे जीवन सरवाइव के लिए परिस्थितियां हो पा रही है, मतलब जीवन वहां पे सरवाइव हो सकता है। वो इसी कारण, क्योंकि वहां पानी है, जल ही जीवन है। तो जल के लिए हमें, अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो जल आवश्यक ही आवश्यक है, बिना जल के जीवन नहीं है। तो सारे जो भी सभ्यताएं हैं, जो भी लोगों का बसावट था, वो जल के, तो जल के लिए एक जगह अगर दूसरी अगर नदी सूख रही है, तो दूसरी जगह लोग माइग्रेट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। कुछ चीजें और हो सकती हैं कि जैसे लोग नाते रिश्तेदारों के पास अपना जा सकते हैं, लेकिन वो सारे लोग कैसे जाते थे, पैदल जाते थे, क्योंकि उस समय कोई ऐसा ट्रेन तो थी नहीं, बस तो थी नहीं, तो सारे लोग पैदल ही माइग्रेट किया करते थे। अब ये है कि देखिए, आरंभिक जो मानव था उसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। पिछले चैप्टर में भी बताया गया था कि जो भी पुरातत्वविद है वो क्या करते हैं कि जो भी अवशेष रहते हैं उन अवशेषों का अध्ययन करते हैं और उन अवशेषों के माध्यम से जानते हैं। सबसे अगर पुराने अवशेषों की बात की जाए तो हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है। देखिए, जो इतिहास है, इतिहास को इस प्रकार से डिवाइड किया गया है कि जैसे एक है प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक। इतिहास को तीन कालों में बांटा, कैसे, प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक। अब यहां पर तीन भागों में जब बांटा गया है, तो जो प्रागैतिहासिक है, प्रागैतिहासिक का मतलब होता है कि जिस समय कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, उसे हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। फिर दूसरा अपने पास आता है कौन सा, आद्यैतिहासिक। आद ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य तो होते हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। तो और अगला फिर कौन सा आता है, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक वो समय है जहां पर हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और उसका हम अध्ययन भी कर सके। अब यहाँ पे जो प्रागैतिहासिक काल है, तो प्रागैतिहासिक समय में कौन सा आता है, जैसे कि आ गया अपना पाषाण काल। तो पाषाण काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं थे, तो इसे हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक। इसके बाद आद ऐतिहासिक। तो अपनी ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी है, आद्य ऐतिहासिक। क्यों, यहाँ पर लिखित साक्ष्य तो मिले हैं हमें, लेकिन हम इनका स्टडी नहीं कर सके, अध्ययन नहीं कर सके, हम समझ नहीं सके कि आखिर इनमें क्या लिखा हुआ है। इसके बाद ऐतिहासिक। अगर हम अपने और भी नीचे वाले काल में देखें, 1500 ईसा पूर्व से देखें, तो यहाँ पर हमारे पास वेद है और ये है। तो इधर का जो हमारा ऋग्वैदिक काल है, ये सब, ये काल कौन सा है, ऐतिहासिक काल है, क्योंकि लिखित साक्ष्य इसके हैं। तो इतिहास को इन तीन भागों में बड़े बड़े रूप में जब बांटा गया, तो यहाँ पे जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल में फिर हम जानते कैसे हैं कि लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, तो इसके हमें सिर्फ अवशेष मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, उन्हीं अवशेषों के माध्यम से हम जानते हैं। तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण अवशेष है उस समय के, वो है ये पत्थर के औजार। ये पत्थर के औजार ही हमें बताते हैं कि उस समय का मानव लगभग कैसी क्रियाएं करता था। यहां पर देखिए, का, खा, गा और नीचे घा और ये
अंगा, ठीक है। इस तरह से इन्होंने औजारों को दिखाया है, और देखिए इन औजारों के अलग अलग रूप भी दिखाए गए हैं। यहां पर अगर इस कानंबर के औजारों को देखा जाए तो ये थोड़ा सा मोथरे औजार है, ठीक है, मतलब इनमें ज्यादा धार नहीं है। इसके बाद ये खा में देखिए थोड़ा सा इससे बदलाव आया है, मतलब ये थोड़े से नुकीले होने लगे। इसके बाद आप गा में जाइए तो थोड़ा ये और भी क्रिएटिव हो गए, है ना, नुकीले हो गए, और कुछ इनके फलक दूसरे तरह के हो गए। इसके बाद घा में देखिए, घा में और भी सूच छोटे हो गए, और इनमें से जो धार है, इनमें से जो इनकी जो नोके हैं वो ज्यादा ही नुकीली हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, अब यहां पर जब हम का नंबर के औजारों को देखेंगे तो हमें उनकी क्रियाओं का स्टडी करने में आसानी हो जाएगी। इसी प्रकार से खा, गा और घा, यहां पर अंगा ये प्राकृतिक रूप से पाए गए पत्थर हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये औजार बनाए जाते थे। कुछ औजारों में क्या करते थे वो लोग कि लकड़ी के हत्थे भी बना लेते थे, उनको बांध भी लेते थे और लकड़ी के हत्थे बना लेते थे। इसी प्रकार से जैसे बाण बनाना है या फिर उन्हें भाले बनाने हैं, तो वो क्या करते थे कि उसमें लकड़ी का हत्था लगा के और इस प्रकार के औजारों को बना लेते थे, ताकि वो उनसे शिकार भी कर पाए। यहाँ प्रत्येक टाइप का जो औजार है, जो पत्थर के औजार है, उनकी जो एज है वो, जैसे कि का नंबर के जो मैंने आपको दिखाया औजार, तो वो सबसे प्राचीन औजार थे, ठीक है। ये सबसे प्राचीन, फिर इससे कुछ आधुनिक ये, फिर आधुनिक ये, और ये प्राकृतिक थे, ठीक है। इस प्रकार से काम के हिसाब से और समय के हिसाब से औजारों का रूप बदलता गया। औजारों के रूप के बदलने से हमने ये भी जाना कि उस समय की लोगों की क्रियाएं कैसे बदल गई। यहाँ पर देखिए ये दिखाया गया है कि अगर हमें जड़ें खोदनी है किसी पौधे की, तो किसी दूसरे, देखिए इस तरह के औजार का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है। और यदि हमें, यहाँ पे देखिए ये क्या किया गया है कि एक खाल है पशु की, उसपे छेद किया गया है और उससे कपड़े या कुछ ऐसा सामान बनाने की कोशिश की गई, तो उसके लिए हमें दूसरे तरह के औजारों की आवश्यकता होती थी। तो अलग तरह के जो औजार थे वो अलग तरह के काम के लिए प्रयोग में लाए गए थे। यहाँ पर अगला है कि जो रहने के क्षेत्र थे, पिछले चैप्टर में बताया गया था कि रहने का जो मुख्य क्षेत्र था वो नर्मदा नदी के किनारे क्षेत्र में पाया गया है। इसके साथ साथ वो तो सबसे प्राचीन था जो हमने देखा, और फिर इसके बाद सिर्फ वही एक जगह नहीं थी जहां पे मनुष्य ने निवास किया। देखिए जो अपना पूरा पाषाण काल है, पाषाण काल को हम तीन भागों में बांट लेते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इस प्रकार से यदि हम इनको तीन भागों में अगर बांट रहे हैं, तो तीन भागों में से अलग अलग समय में अलग अलग स्थान मिले हैं। यहाँ ये जो अपने पास एक मैप है, इस मैप में देखिए पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल और महापाषाणिक पुरास्तन। देखिए तो पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल और महापाषाण काल, ये यहाँ पे अलग अलग इंडिकेट किए गए हैं। और यहाँ पे आरंभिक गांव भी बताया गया है और यहाँ पे आधुनिक नगर भी बताए गए हैं। तो आधुनिक नगर में, यहाँ इस मैप में देखें तो जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, ये इन्होंने बताया कि आरंभिक, अभी आधुनिक जो नगर है वो है। फिर और भी जो अपन पूरा स्थल में देखें, तो ये जो रेड कलर से बने हुए जो ट्रायंगल है, जो त्रिभुज है, यहाँ पर पूरा स्थल थे, मतलब पूरा पाषाण कालिक स्थल थे। इसका मतलब यहाँ पर पूरा पाषाण काल समय में लोग रह रहे थे। तो यहाँ ये भीम, देखिए भीम बैठका जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर देखिए कुरनूल, कुरनूल कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। ये देखिए एक हुंस, हुंसगी दिखाया गया है, ये कहाँ पे है, ये अपना कर्नाटक के समीप है। और इसके बाद ये देखिए नवपाषाण काल और ये महापाषाणिक। तो नवपाषाण काल के ये देखिए कई सारे पुरास्थल दिखा गए हैं, जैसे कोल्डिहवा, ये देखिए ये जो कोल्डिहवा है ये कहाँ है, ये है इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज में है। और ये मैगढ़ा, ये मैगढ़ा इलाहाबाद के पास में ही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। किसके लिए, समाधियों के लिए। यहाँ पर मैगढ़ा और दमदमा, ये जो पुरास्थल है, ये पुरास्थल इस तरह के पुरास्थल है जहां पर लोगों की समाधियां मिली है और युगवित समाधियां भी मिली है।
इसके बाद यहाँ पे देखिए चिरांद हो गया, मेहरगढ़ हो गया, और यहाँ पे हो गया ये दाओ जली हेलिंग, तो इस तरह से। और यहाँ पे देखिए एक इनाम गांव, ठीक है, इनाम गांव महाराष्ट्र में है ये, मतलब एक गांव के रूप में इसको यहाँ पे दर्शाया गया है। इस प्रकार से हमने ये देखा, देखिए कुरनूल, अब इनके अलग अलग साक्ष्य हैं और अलग अलग इनके जहां पे जो साक्ष्य मिले हैं वो अलग अलग हैं। इसके बाद ये देखिए महापाषाणिकपुरा स्थल जो है वो भी इसमें से ग्रीन हरे कलर से, जैसे ब्रह्मगिरी हो गया या फिर और भी हो गया आदि चंदलूर हो गया, तो ये सारे क्या है महापाषाणी है। तो इस प्रकार से भारत में, भारत के स्थल में या फिर भारतीय उपमहाद्वीप में स्थल रहे हैं जहां पर मनुष्य ने निवास किया है पहले, जहां पर औजार बनाए जाते थे, जहां पर लोग इस तरह का काम करते थे, उनको उद्योग स्थल कहा जाता है। वहां पर पता कैसे चला है, आज की स्थिति में अगर हम देखें तो कैसे पता चला कि उद्योग स्थल आखिर थे कैसे या फिर कहाँ थे। देखिए जब भी कोई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है तो सारी वस्तुएं उसी प्रकार से हमें उपलब्ध नहीं हो जाती है। वस्तुओं में क्या होता है कि अलग अलग परिवर्तन आता है, और वस्तुएं सारी की सारी ले नहीं जाते, कभी कभी क्या होती है आधी बनी हुई वस्तुएं भी छूट जाती है। तो उस वजह से जो वस्तुएं आधी छूट गई, जैसे पत्थर के औजार बनाए गए, पत्थर के टुकड़े मिले, कुछ आधे बने बने औजार मिले, तो उससे पता चल जाता है कि ये उद्योग स्थल है जहां पर इस तरह से बनाए गए थे औजार। अब प्राकृतिक जो गुफाएं हैं, तो देखिए अधिकांशतः जो गुफाएं हैं जो भारत के मध्य क्षेत्र में, जिसे मध्य प्रदेश के क्षेत्र में अधिकांशता विंध्याचल और सतपुड़ा जो श्रेणी है वहां पर स्थित थी। यहाँ पर एक ये चित्र दिखाया गया है जिसमें बताया गया है कि गुफाएं, प्राकृतिक गुफाएं कैसे हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर इस प्लेस को आप देख पा रहे हो ये, तो ये एक प्राकृतिक गुफा है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर इस प्लेस को आप देख पा रहे हो तो यहां से भी एक गुफा बनी है। प्राकृतिक गुफाएं देखिए पत्थर है, और इस पत्थरों में एक जगह है जहां से लोग आसानी से घुस सकते थे, और यहां पर वो घुसते थे तो इनसे देखिए जैसे वर्षा हो गई, अधिक ठंड हो गई या फिर बहुत अधिक गर्मी हो गई, तो इनसे वो लोग अपना बचाव कर लेते थे, इसलिए उन्होंने इनका प्रयोग किया ताकि वो यहां पर रह सकें, अपना जीवन सर्वाइव कर सकें। जैसा कि मैंने बताया पुरास्थल वो जगह है जहां पे कुछ निर्माण किया गया है, औजार निर्माण किए गए हैं, बर्तन निर्माण किए गए हैं। अधिकांशतः उस समय तो देखिए औजार ही निर्माण किए जाते थे, क्योंकि उस समय मोस्टली बर्तनों का या उस तरह का प्रयोग नहीं किया जाता था। अधिकांशतः मनुष्य जब तक आग की खोज नहीं कर सका था, तब तक तो वो कच्चा मांस ही खा जाता था और कच्चे फल खाता था, कच्ची जो भी फल पत्तियां होती थी वही खा के अपना जीवन सर्वाइव किया करता था। यहाँ पर औजार बनाने की दो प्रक्रियाएं बताई गई है, एक तो पत्थर से पत्थर को टकरा के औजार बनाया जाता था, जैसे कि इसके देखिए इस चित्र में यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, एक पत्थर को दूसरे पत्थर से टकराया और ये इसको नुकीला बना दिया, तो ये हो गया एक तरीका बनाने का। देखिए यहाँ पर ये जो पत्थर है, ये जो मैंने अंगा नंबर पत्थर दिखाया था वो है, क्यों, क्योंकि ये मजबूत है, चिकना है, और इससे वार करने पर दूसरे पत्थर में अच्छे से धार लाई जा सकती है। दूसरी एक तकनीक थी दबाव सल्क तकनीक, इसमें क्या किया जाता था, जैसे ये पत्थर है इसको इसके ऊपर रख दिया जाए और ऊपर से एक बड़े पत्थर से प्रहार कर दिया जाए, तो उस स्थिति में जो औजार बनेगा वो भी अच्छा बनेगा, ये तरीका था, ठीक है। अब इसके बाद आगे बताया गया है कि आग की खोज, तो यहां पर हमने कुरनूल देखा था, कुरनूल मैंने बताया था कहां पे, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, वहां पे मैंने बताया था कि कुरनूल, तो कुरनूल में हमें क्या मिला है कि कुछ आग जलाने के साक्ष्य मिले हैं। आग जलाने के साक्ष्य कैसे, अगर कुछ जला हुआ कोयला मिल गया हमें कुछ, या जली हुई थोड़ी सी वस्तुएं मिल गई, तो वहां से हमें पता चलता है कि आग मनुष्य ने शायद सबसे पहले यही जलाई होगी। और इसके साथ साथ में आग का जो प्रयोग था वो बहुत ही जरूरी था, आग का जो विकास था या आग की जो प्रारंभिक उत्पत्ति थी वो क्रांतिकारी थी, क्योंकि उससे मनुष्य ने अपने लिए रक्षा बचाव, अगर कोई भी जानवर खतरनाक है तो उससे आग से अपनी सुरक्षा कर सकता था।
अपना जो भोजन है, जो मांस कच्चा खाता था, वो पका के खा सकता था, या फिर बहुत सारी अन्य क्रियाएं थी जो आग से शुरू हो गई। मनुष्य जब लाखों साल पहले था, उससे वो जब धीरे 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 आया, विकास की ओर आया, तो पहले तो वो इस मनुष्य रूप में नहीं था। उसका जो रूप था दूसरी तरह का था, बंदर की तरह था। तो बदलाव हुए प्रकृति में, जलवायु में परिवर्तन हुआ, तो बदलती जो जलवायु थी, तो इसके 12,000 साल पहले एक युग हुआ था हिमयुग। हिमयुग क्या था कि उस समय पूरी पृथ्वी पे अधिकांश क्षेत्रों में बर्फ ही बर्फ जम गई थी। बर्फ ही बर्फ जमने से क्या था, उस समय जो जीवों की संख्या थी वो पृथ्वी पे कम थी। थे जीव, लेकिन दूसरी तरह के जीव थे। लेकिन 12,000 साल के बाद जलवायु में थोड़ा परिवर्तन हुआ। उस जलवायु परिवर्तन में क्या हुआ कि थोड़ा सा गर्मी बढ़ने लगी, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगी तो बर्फ पिघली। बर्फ पिघलने से जो क्षेत्र बना, उस क्षेत्र में घास उगने लगी अच्छे से, और उसी घास में फिर जो पशु थे, कैसे पशु, जो घास खा के अपना सरवाइव कर सकते थे, उन पशुओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ी और डेवलप हुई। और उन्हीं जंतुओं का फिर मनुष्य ने शिकार करना शुरू किया, और फिर इसी तरह से धीरे धीरे उन्हीं क्षेत्रों में, पहले अनाज का तो उत्पादन वो नहीं करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने देखा कि जब ये अगर एक फल है, इस फल के बीज जमीन पे गिर जाते हैं, तो इसी तरह का अब दूसरा पौधा उगता है। तो फिर उसने क्या किया कि इस चीज को खुद से करने की कोशिश की, और धीरे धीरे फिर कृषि का विकास हुआ, और मनुष्य ने अपनी सारी जो जरूरतें हैं उन पे परिवर्तन करके, या फिर अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए नए नए उपाय उसने खोज लिए। यहाँ पर जो मैंने बताया था कि पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, तो यहाँ पर भी इसको एज, इसकी जो उम्र है वो बताई गई है। तो पूर्व पाषाण काल क्या था कि लगभग 20 लाख साल से लेके 12,000 साल पहले तक पूरा पाषाण काल था। इस पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में उन्होंने बांटा है। क्यों बांटा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काल है। देखिए, 20 लाख साल से लेके 12,000 साल पहले तक की जो सीमा है वो बहुत बड़ी है। वहां पर ही सारी जो भी प्रक्रियाएं हुई, मनुष्य का जो बेसिक डेवलपमेंट हुआ वो इसी समय में हुआ है। तो इसको भी बांट दिया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर में बांट दिया गया है। इसके बाद में मध्य पाषाण काल जो रहा है, तो मध्य पाषाण काल 12,000 साल पूर्व से लेके 10,000 साल तक रहा है। फिर 10,000 साल से बाद का जो समय रहा है वो वर्तमान मतलब उत्तर पाषाण काल का रहा है, जहां पर मनुष्य ने अपनी नई नई नव पाषाण काल रहा है, जहां पर मनुष्य ने अपनी विकास की चरम सीमाओं को छुआ और वो आगे बढ़ गया, और इस प्रकृति के बहुत सारी चीजों को उसने प्रयोग किया। अब चूंकि जब मनुष्य गुफाओं में रहता था, तो उसके दिमाग में कुछ चीजें पनपती थी, आती थी, तो उसने क्या किया कि कभी कभी उन अपने दिमाग की सोचों को, उन अपने दिमाग में उठने वाली उफानों को, उन्होंने क्या किया कि वो जो जिस जगह पे रहते थे उस जगह पे उन्होंने अंकित कर दिया, अंकित चित्रों के रूप में कर दिया। जैसे भीम बैठका, जो वहां पे एक पॉइंट था भीम बैठका, तो भीम बैठका जो जगह है वो मध्य प्रदेश में है, तो वहां पर प्राकृतिक गुफाएं थी। तो उन्हीं प्राकृतिक गुफाओं के अंदर कई प्रकार के जानवरों का चित्रण मनुष्य ने खनिज रंगों से किया। अगर एक प्रश्न ये हो कि उस समय के मनुष्यों ने जो चित्र अंकित किए कैसे किए, तो खनिज रंग। खनिज रंग क्या है, वो रंग जो प्राकृतिक रूप से हमें पृथ्वी से मिल जाते हैं, उन्हें हम खनिज रंग कहते हैं। तो खनिज रंगों से उसने चित्रों का अंकन किया, और वो चित्र आज भी हमें कई जगहों पर मिलते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश का जो भीम बैठका है, या फिर और जगह भी। अगला पॉइंट है कि कौन क्या करता था, मतलब ये चित्रकारी का काम, शिकार का काम, फलों को इकट्ठा करने का काम, तो इनमें से वो सारी स्त्रियां करती थी या पुरुष करते थे। तो ये कोई ऐसा पॉइंट हमें नहीं मिला है साक्ष्यों में कि कौन से व्यक्ति या फिर कौन स्त्री या पुरुष कौन क्या करता था। हो सकता है कि चित्रों का काम स्त्रियां करती हो या पुरुष करते हो, शिकार के काम पुरुष करते हो या स्त्रियां करती हो, या फिर दोनों साथ में मिलके करते हो। तो ये सारे साक्ष्य हमें इस तरह से नहीं बताते हैं कि आखिर कैसा था। एक पॉइंट है यहाँ पे,
कि पूरा पाषाण काल में हमारे यहाँ पे देखिए शुतुरमुर्ग नहीं पाया जाता है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है उसमें सबसे बड़ी कोशिकाएं पाई जाती हैं, और शुतुरमुर्ग इस समय अपने देश में नहीं पाया जाता है, लेकिन पुराने अवशेषों में जब खुदाई हुई या फिर जब खुदाई हुई तो पुराने जो भी अवशेष मिले उसमें से महाराष्ट्र में हमें कुछ शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस समय ये रहे होंगे। एक स्थान और था हुंसगी। हुंसगी स्थान जो था उस स्थान में भी हमें कुछ ऐसे पुरास्थल मिले हैं या फिर ऐसी जगह मिली है जहां पे कुछ अलग अलग काम किए गए थे, ठीक है, औजारों के लिए। इसी प्रकार से एक और पॉइंट है इसमें कि फ्रांस है, जो फ्रांस में एक जगह है अल्तामीरा। अल्तामीरा में कुछ गुफाएं हैं, वहां पर भी खनिज रंगों से बहुत ही आकर्षक चित्र, जिसमें रेंडियर, घोड़ा, ठीक है, मैमथ मतलब हाथी, और ये सारे ये गए हैं। तो ये दूसरा चैप्टर था फ्रेंड्स। अगर ये आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपने इस वीडियो को सुना, देखा, समझा, तो इसमें से आप प्रतिक्रिया जरूर दें कि आपने इसमें से क्या सीखा। बहुत बहुत धन्यवाद।